हेलो दोस्तों, स्वागत है तुहाडा अपने यूट्यूब चैनल गार्डन कैटेस दे विच। अज दी वीडियो दे विच असीं गल करांगे रैबिस फार्म बारे। जिवें कि तुहानू पता ही है कि असीं अपने चैनल दे उपर बहुत सारियां जो वीडियो अपलोड करदे रहिंदे हां, ते प्लांट्स दे रिलेटेड जिन्नियां भी वीडियो ने असीं अपने चैनल ते पांदे रहांगे। किस मौसम दे विच किस पौधे नू लगाना है ते किस मौसम दे विच किहड़ी वैरायटी तुसीं सीड तों तैयार कर सकदे हो, असीं अपने चैनल ते पूरी जानकारी दिंदे हां। इस लई तुसीं साडे चैनल नू सबसक्राइब जरूर करियो। हुण असीं अपनी वीडियो ते आने हाँ। असीं तुहानूं अज दस्सांगे कि रैबिस फार्म की तुसीं किस तरह जो केयर है करनी है। जिवें कि तुसीं देख रहे हो साडे कोल दो पौधे 14 इंची गमले दे विच रैबिस फार्म दे जो पौधे ने लगे हुए ने, ते इन्हां नूं तुसीं की फर्टिलाइजर देना है, ते इन्हां विच जो की कंपोस्ट पानी है, ते इन्हां नूं किस मौसम दे विच तुसीं किस जगह ते रखना है, तुहानूं अज दी वीडियो दे विच पूरी डिटेल दे विच असीं दस्सांगे। सब तो पहला असीं तुहानूं दस दईए कि जदों भी तुसीं रैबिस फार्म दे पौधे नूं गमले विच लगाना है, तां गमले दा साइज़ घट्टो घट्ट 18 जां 22 इंच होना चाहीदा है। 18 जां 22 इंच का गमला ही क्यों होना चाहिए है तुहानूं ये भी असीं दस्सांगे की रीजन है। इस तो पहला असीं तुहानूं दस दईए कि जदों भी तुसीं इस पौधे नूं गमले विच लगाना है, तां गमले दे विच तुसीं 20% जो गोबर की खाद है जां वर्मी कंपोस्ट है जरूर पानी है। उस तो बाद तुसीं लगातार 20 जां 25 दिनों बाद जो ये खाद है पाते रहना है। जिवें कि तुसीं देख रहे हो असीं वर्मी कंपोस्ट है जो ये अपने गमले दे विच पाने हैं, क्योंकि इस दे विच नीम खली खुंबां दी खाद पोटास नाइट्रोजन वगैरह जो मिक्सर हुंदा है सारा हुंदा है वर्मी कंपोस्ट दे विच, इसलिए असीं वर्मी कंपोस्ट ही पाने हाँ। उस तो पौधे वो सारे तत् मिलते हैं जो कि तुहाडे पौधे नूं चाहिए ने। तो इस तो अलावा तुहानूं असीं दस दईए कि जो साडा ये रैबिस फार्म का पौधा है इस दे विच बहुत सारियां नीचे तो जो ब्रांचस निकलियां शुरू हो जांदियां ने, ते वड्डे गमला होण दा इही रीजन है कि जेकर तुसीं इस पौधे नूं वड्डे गमले दे विच नहीं लगाओगे तो इसकी जो ग्रोथ है वह घट होगी, क्योंकि जो इस दियां ये जो तुसीं ब्रांचस देख रहे हो ये ब्रांचस फिर नहीं निकलनगियां छोटे गमले विच, इसमें जगह नहीं मिलेगी, मिट्टी घट होएगी तो ब्रांचस निकलने के चांस जीरो हो जाएंगे। जिन्ना गमला वड्डा होएगा जिन्नी ज़्यादा इस दे विच मिट्टी होएगी उन्ना ही जो ब्रांचस ने ज़्यादा निकलनगियां। तो उस तो बाद इन्हां ब्रांचस नूं कढ के तुसीं अलग ट्रांसफर कर सकते हो, तुसीं अलग गमले दे विच लगा सकते हो। कहने का मतलब यह है कि तुसीं एक पौधे तो तुसीं काफ़ी जो प्लांट्स ने रैबिस फार्म दे तैयार कर सकते हो। हुण असीं तुहानूं दस दईए कि इस पौधे नूं गर्मियां दे विच तुसीं इनडोर रखना है, छत दे नीचे रखना है जां ग्रीन नेट दे नीचे रखना है। तो इस पौधे नूं तुसीं सर्दियां दे विच उस जगह पर रखना है जिथे 2 घंटे जो धुप है वह पैंदी होवे, ते इस नूं तुसीं जो खाद है वह वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद ही तुसीं रेगूलर 20 या 25 दिनों बाद देंदे रहना है। तो इस पौधे नूं तुसीं जो पानी है पानी तुसीं इस तरीके दे नाल देना है कि इस नूं ज़्यादा पानी भी नहीं देना, जदों इसकी मिट्टी चंगी तरह ड्राई हो जाए जिवें कि तुसीं देख रहे हो साडे कोल इस जो मिट्टी है हल्की हल्की जो गिली है, इस नूं तुसीं पानी उस टाइम ही देना है जदों इसकी जो मिट्टी है बिल्कुल ड्राई हो जाए। ज़्यादा पानी देने नाल जो इसदियां रूट्स ने जो जड़ां ने वो जल्दी गल जांदियां ने। जे इस ते कोई भी जो सुक्या होया पत्ता आंदा है जिवें कि तुसीं देख रहे हो हल्का जिहा जो पत्ता सुक्या होया इसकी तुसीं नाल दी नाल जो कटिंग है कर देनी है, क्योंकि जेकर तुसीं इस बत्ती नूं नहीं कट्टोगे तो जो तुहाडे पौधे की ग्रीनरी है वह ज़्यादातर नहीं दिखेगी, क्योंकि सुकी हुई पत्ती ज़्यादा जो अखां दे विच लगदी है। इस तरह असीं अपने रैबिस फार्म दे पौधे नूं गर्मियां दे विच ते सर्दियां दे विच जो बचा के रख सकते हैं। तो यह पौधा बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव प्लांट है, जिवें कि तुसीं देख रहे हो किन्ना यह पौधा सोहना साडे कोल लग रहा है। इस पौधे नूं तुसीं अपने बैडरूम दे विच जां अपने किसी भी जगह के उपर घर रख सकते हो। यह साड़ी अज्ज की वीडियो, जेकर तुहानू साड़ी अज्ज की वीडियो वधिया लगी तां तुसीं साड़ी वीडियो नूं लाइक ते शेयर जरूर कर दिओ, ते साड़ियां नवीं आने वाली वीडियो लई साडे चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करो। धन्यवाद।